शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। कह रहा था पीछे मेरे बेटे जैसा है। मैंने बहुत रोका, नहीं माना। ये जंग का असली चेहरा है जो बाहर की दुनिया देख नहीं पाती। बदला लेना चाहती हूं तो बीजू को भूल जाओ, समझो कि वो मर गया। अपनी अपनी पोजीशंस ले लो और जब तक मैं ना कहूं पत्थर बन जाओ। उस दिन हमने 2 घंटे इंतजार किया, मेरी जिंदगी के सबसे भयानक 2 घंटे। हमारी आंखों के सामने बीजू धीरे धीरे मौत की पांव में फिसलता गया। हवलदार के ऑर्डर के मुताबिक हम पत्थर बन गए, लेकिन किसी दिल को पत्थर कैसे बनाए? इतना पत्थर दिल न मैं था न मेरा हवलदार। सही वक्त पे सही जान, यही जंग का असूल है। बोडो हमारे इंतजार में छुपा था और हम उसके इंतजार में। बीजू की चीखें सिसकियों में बदल गई, वो इस दर्द की दुनिया को छोड़कर चला गया। अब हमारी बारी थी मौत को सौंपने या स्वीकार करने की। मेरी चिंता मत कीजिए, आप जाए उनको मारना पड़ेगा। चिल्लाओ मत, आप जाए। हीरो बनने की कोशिश मत करो। सर सर शट अप। उनको मारने की दूसरी तरकीब सोचनी पड़ेगी। चलो क्या कहना है टैंगो, प्लाटून तो खत्म हो गई, लड़ना है कि लड़ जाए। जब तक हम चिंता है कुछ चिंता नहीं रह सकते। अच्छे सिपाही बनोगे, चलो रात का इंतजार करते। दर्द ज्यादा हो तो थोड़ी पी लेना और मुझे वापस देना, ये मेरे लिए बहुत कीमती है। थैंक यू सर। अगर मेरी बीवी आज मुझे हालत में देखती ना तो कितनी सुधर जाती, फिर कभी जिंदगी में कंप्लेन नहीं करती। क्या पता, और जोर से रोती और सीना पीट पीट कर कहती, हाय मेरी भरी जवानी लुट गई, ये लूला लंगड़ा मर्द मेरे किस काम का। सेक्स और दूसरों की बीवियां, लड़का बड़ा हो गया है। तरुण मुझे दो, मैं तुम्हें लगाता हूं।
ये बीजू के नाम दुश्मन का सत्यानाश हो, ये देव के नाम, ये भाई जैल सिंह के नाम, ये सोलंकी के नाम, ये ईश्वर के नाम, दुश्मन सुबह का सूरज न देख पाए। फजर के वक्त तुमने रहम की बात की, हे भगवान बता मुझे मेरे देश में ऐसा क्यों हो रहा है, कब तक ये खून की नदियां बहती रहेंगी, कब तक हम नफरत की आग में चलते रहेंगे। आज तक मैंने सिर्फ सवाल पूछा, लेकिन अब इसका जवाब जानना मेरे लिए बहुत जरूरी है। हे भगवान बता दे मुझे, हे भगवान बताओ मुझे, परीक्षा पास करने पर भी तुमने मुझे फाइटर पायलट क्यों नहीं बनाया, मुझे इस बिना पंख की मुर्गी में क्यों बिठा दिया। या अल्लाह तू बता मुझे, मेरे बगल वाले अफसर की जगह मैं स्क्वाड्रन लीडर क्यों नहीं बना, मेरा प्रमोशन क्यों रोक दिया गया। अगर भगवान सबकी मन्नतें पूरी करने लगे ना तो इस दुनिया में शांति छा जाएगी और हम जैसे लोग बेरोजगार हो जाएंगे, समझे। यस सर। ये टैंगो चाली भोला जरूर है लेकिन उसकी बहादुरी, हैट्स ऑफ। चलो पढ़ो आगे। सर मेडिकल लीव, घर लौटने का वक्त आ गया।